मेरा बेटा वहाँ खारकी में है, जहाँ पे बॉम्बारिंग में हो रही है। सुबह एक वहाँ कैजुअल्टी हुई है, उसके पास ही है। तो वो पैनिक था, उसने बताया कि अभी सर गवर्नमेंट का कोई एडवाइजरी, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और वो ये कहना चाह रहा है कि हमें बस कब तक जीना है, ये गवर्नमेंट बताए तो सही। आज छठवा दिन है, आज कोई वो नहीं है। तो मैं डीएम साहब के द्वारा ही कहने आया हूँ कि मेरे बेटे तक संदेश जाए कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है या कुछ है कोई उनके ऊपर। डीएम इस पर आए थे तो हम यहाँ पर इंतजार किया, पहले बता रहे हैं, फिर अंदर गए थे। उसके आने के बाद बता रहे हैं कि डीएम साहब ने 11 बजे का सुबह का समय दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहना चाहेंगे, बेटा हमारा है, हम क्या कह सकते हैं? अधिकारी है, क्या गवर्नमेंट है, क्या इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? कहाँ जाएगा पैसा? है वो अकाउंट में है, उसके हाथ में इतना पैसा भी नहीं है। और फूड सप्लाई भी वहाँ पे खत्म, फूड सप्लाई भी खत्म हो गई है। वीडियो उसने डाला है मेरे बेटे ने भी। लिविंग कैसे रहेगा मतलब वहाँ पे? डीएम ऑफिस पर हम इसीलिए आए थे, वो बच्चा हमारा रसिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, यहाँ से कोई उसको मदद नहीं मिल रही है। हमें डीएम साहब से दिक्कत ये कि जब हम आए तो हमसे कहा कि हम यहाँ से गया कि हम मैसेज कर रहे हैं, खबर कर दिए, आप वेट करो। अब आधा घंटे के बाद कह रहे हैं कि डीएम साहब यहाँ है ही नहीं। जब हम शुरू में आए थे, अगर डीएम साहब यहाँ नहीं होते तो हमसे कहते कि यहाँ डीएम साहब नहीं है, तो हम चले जाते। इतनी देर वेट कर हमसे कह रहे हैं सुबह आओ ऑफिस में। हमें इनसे कोई लाइसेंस बनवाना है, हमें इनसे कोई परमिट लेना है। अरे हमें अपने बच्चे की मदद के लिए कहना है, इनका भारत सरकार को ये कहें, विदेश मंत्रालय को ये कहें, हम इसलिए आए थे इनसे, इन्हें ज्ञापन देना था कि ये भारत सरकार को कहें, राष्ट्रपति को कहें, ताकि वहाँ पर हमारे बच्चे को मदद मिल सके। नहीं मिली डीएम मिलने से इनकार करें, मिल ही नहीं रहे, करें सुबह ऑफिस आना। यहाँ एक एक मिनट भारी पड़ रही है, युद्धकाल है ये। युद्धकाल में आदमी ये अपना ऑफिस का समय बता रहे हैं सुबह मिलने आना, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने हमारी नहीं, अब हम सुबह आएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे और हम वहाँ पे पूरा ज्ञापन देंगे, प्रश्न करेंगे और इनका भी करेंगे हम ऊपर।